बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को खुदकुशी कर अपनी जान ले ली। इनके इस कदम से उनके परिवार, दोस्त और फैंस अब तक सदमे में हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुशांत ने ये कदम क्यों उठाया, इस बारे में अब तक केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। वो ना तो अपने पीछे कोई सुसाइड नोट छोड़ गए हैं और न ही ये कदम उठाने से पहले उन्होंने किसी से इस बारे में कोई बात की थी। सुशांत के कमरे से कुछ दवाइयां और पेपर्स मिले हैं, जिनके जरिए पता चला कि सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अपने पीछे कई सवाल छोड़कर गए सुशांत के मौत से पहले 24 घंटे कैसे बीते होंगे जब उन्होंने ये कदम उठाया, उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये तमाम सवाल आज हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। शायद सुशांत की मौत से पहले के आखिरी 24 घंटे इन सवालों की गुत्थी को सुलझाने में कुछ मदद करेंगे। 13 जून 2020 को सुशांत अपने घर में ही थे। सुशांत घर में अकेले नहीं बल्कि उनके दोस्त भी साथ में थे। हंसते खेलते खुश मिजाज सुशांत को अचानक क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात में 12 बजे के बाद सुशांत ने अपने दोस्त और एक्टर को कॉल किया था, लेकिन दोस्त ने उनका फोन नहीं उठाया। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून सुबह 6:30 बजे उठे थे। सुबह 9:30 बजे उन्होंने बहन से फोन पर बात की। इसके बाद सुशांत ने अपने दोस्त महेश को भी फोन किया। करीब 10:30 बजे सुशांत अपने कमरे से निकले, जूस लिया और वापस कमरे में लौट गए। कुछ देर बाद जब नौकर लंच के लिए पूछने गया तो कमरा बंद था, वो दरवाजे को खोल नहीं रहे थे। साथ रहने वाले दोस्त और नौकरों ने सुशांत को फोन भी किया लेकिन फोन नहीं उठाया गया। इस पर सब घबरा गए। इसके बाद सुशांत की बहन को फोन किया गया। बहन ने सुशांत को कॉल की लेकिन उनका फोन भी नहीं उठाया गया। इसके कुछ समय बाद बहनें भी सुशांत के घर पहुंच गई। 12:30 बजे कमरा खुलवाने की कोशिश की गई। कमरा नहीं खुलने पर चाबी बनाने वाले को बुलाया गया। चाबी वाले ने लॉक को खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुशांत की बहन, उनके साथ रहने वाला आर्ट डिजाइनर, दोस्त और उनका नौकर ने सुशांत को अपने कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता देखा। इस दौरान लोकल डॉक्टर को बुलाया गया। उनके साथ काम करने वाले एक नौकर ने पुलिस को कॉल किया। तब तक सुशांत की बहन और दोस्तों ने सुशांत की लाश को उतार कर बिस्तर पर रख दिया था। पुलिस ने आकर जांच शुरू की, जिसमें पाया गया कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे। डॉक्टर्स को बुलाकर उन्हें शव की जांच करवाई गई और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद उनके शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुशांत के यूं अचानक जाने से इंडस्ट्री में सभी चौंक गए हैं। अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया। बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के तमाम सितारों ने सोशल मीडिया पर दुख जाहिर किया है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार बेटे को खोने के बाद सदमे में है। लेटेस्ट खबरें व ब्रेकिंग न्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल खबर पंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको मिले हर न्यूज की सबसे पहले नोटिफिकेशन।